क्या है तलाश, किसकी तलाश, कैसे होगी ये तलाश? नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करेंगे इन्हीं सवालों की जो आपने इंट्रो में सुने। तलाश एक व्यापक कॉन्सेप्ट है, पर आज हम इसके एक एस्पेक्ट को लेके चर्चा करते हैं। तलाश है व्यवहारिक राजनीतिक शक्ति की तलाश। सुन के थोड़ा अजीब लगता है, क्या हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उससे इतर भी कोई वास्तविक सत्य है? बट एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वॉट आई हैव रियलाइज्ड इज कि हमारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट। और जनरल टेंडेंसी ये रही है कि इनमें दूरियां कम होने के बजाय बढ़ती ही रही है, और अब ये हो गए हैं एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट एंड एक्सट्रीम राइटिस्ट। खास तौर पे खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग, ट्विटर के लोग, ये दोनों पक्ष हर बात पर एक दूसरे से घोर असहमत रहते हैं। हम ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहां टीवी चैनल्स एक तरफा न्यूज दिखाते हैं, जहां फैक्ट चेक एजेंसीज एक तरफा काम करती है, अपनी अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए खबरें बनाई जाती है, अनैतिक रास्ते चुन लिए जाते हैं और कभी-कभी झूठ तक का सहारा लिया जाता है। पर क्या दो विपरीत बातें एक साथ सत्य हो सकती है? नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। तो संभावना है कि इन दोनों ध्रुवों के बीच, इन दोनों विपरीत ध्रुवों के बीच कोई निराविष्ट सत्य मौजूद हो, मगर उसकी तो बात कोई नहीं करता। कोई नहीं करता क्योंकि उसकी बात करने से किसी को राजनीतिक फायदा नहीं होता। क्या हम अपने आप को किसी के राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल होना स्वीकार करेंगे? क्या किसी राजनीतिक व्यक्ति पे आंख बंद कर विश्वास कर लेना चाहिए? क्या हमारे राजनीतिक अग्रजों की बातों का निष्पक्ष विश्लेषण नहीं होना चाहिए? फिर चाहे वो महात्मा गांधी हो, कार्ल मार्क्स हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, कन्हैया कुमार हो, या हमारे क्षेत्र के एमपी एमएलए हो, क्या इस वैचारिक आदान प्रदान में विवेक का मास्क लगा लेना ताकि नफरतें ना फैलें उचित नहीं है? ये तलाश इन्हीं दो अर्धसत्यों के बीच, खोए हुए सत्य की तलाश है। आप कहेंगे भाई ज्ञान बहुत झाड़ लिए, कुछ प्रैक्टिकल बात भी बताइए। तो सुनिए, तलाश राजस्थान विश्वविद्यालय के और उसकी बेस कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का खड़ा किया हुआ एक वैचारिक मंच है जिसकी टैगलाइन है डिस्कवर योर सेल्फ। और जो पॉपुलर प्रोपोगेंडा से इतर खुद की तलाश करने और व्यक्तित्व निर्माण करने का उद्देश्य रखता है। इसके लिए वीकली डिबेट्स ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, किन्हीं खास विषयों पर राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा स्पेशल सेशंस ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, राजनीतिक समझ को विकसित करने के लिए कई सारी एक्टिविटीज करवाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल पोस्टर मेकिंग, एसे राइटिंग, डिफरेंट वीडियो मेकिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या यही एक जरूरत कुछ जरूरतें थी जिनकी वजह से तलाश को शुरू करना पड़ा? नहीं, इनके अलावा भी एक जरूरत थी। राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, हजारों महारथियों को तैयार करने वाला विश्वविद्यालय, मगर अपनी सारी महानताओं के बावजूद एक कमी है जो यहाँ हर किसी को खलती है, वो है यहाँ का स्टूडेंट पॉलिटिक्स कल्चर। कभी कभी लगता है कि यहाँ छात्र राजनीति हाथ मिलाने, बर्थडे मनाने और निजी संबंधों को बढ़ाने तक सीमित है, और सब चाहते हैं सुधार हो, चुनाव संबंधों पे नहीं मुद्दों पे लड़े जाएं, विचारधारा पे लड़े जाएं। यहां से आप बिल्कुल ये मतलब मत निकालिए कि हम में से कोई भी चुनाव लड़ने वाला है, बल्कि हम तो इतना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पॉलिटिकली अवेयर हों, जिससे मजबूरन कल्चर को बदलना। यदि आप चाहते हैं कि आप भी इस जर्नी का हिस्सा बने तो आपका स्वागत है, मगर ध्यान दें, यदि आप किसी राजनीतिक पार्टी, नेता, विचारधारा के अंध समर्थक हैं, यदि आप तर्क और विज्ञान से ऊपर अपने पूर्वाग्रहों को मानते हैं, आप किसी राजनीतिक संगठन का हिस्सा हैं, यदि आप भविष्य में राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ा कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं और यहां अपना राजनीतिक फायदा खोज रहे हैं, तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आप सदस्यता के लिए एलिजिबल नहीं है। और यदि आप निष्पक्ष विचार विमर्श में रुचि रखते हैं तो आपका नाम और बेसिक डिटेल्स
हमें मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या फिर मेल कीजिए talash.ru@gmail.com पे। और सबसे महत्वपूर्ण, ताकि राजस्थान विश्वविद्यालय फिर से शुरू हो सके, हम आगे बढ़ सकें, ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहिए, खुद का ख्याल रखिए। धन्यवाद।